weather. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फैट टू फिट का परम लक्ष्य आपके मोटापे को घटाना, मांसपेशी को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपकी सहायता करना है। आज की हमारी चर्चा का विषय है गाउट और कैसे हम प्राकृतिक तरीके से गाउट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। गाउट एक प्रकार का गठिया है जो तब विकसित होता है जब रक्त में यूरिक एसिड का स्तर असामान्य रूप से अधिक हो जाता है। ये यूरिक एसिड जोड़ों में और अक्सर पैरों में क्रिस्टल्स बनाता है जो गंभीर और दर्दनाक सूजन का कारण बन सकता है। हालांकि गाउट का जोखिम कई कारणों पर निर्भर करता है, ना कि केवल जीवन शैली पर। इसलिए गाउट रोकथाम रणनीतियों के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में हम यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के 8 प्राकृतिक तरीकों का वर्णन करेंगे। नंबर 1, प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों को सीमित करें। कुछ खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्यूरिन का सेवन कम करें। प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि शराब, हाई फैटी फूड्स जैसे रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर से युक्त खाद्य पदार्थ। नंबर 2, कम प्यूरिन वाले भोजन अधिक खाएं। अगर आप कम प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो आप अपने यूरिक एसिड के कंटेंट को काफी हद तक घटा सकते हैं। कम प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों में शामिल है लो फैट और फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स, पीनट बटर, बादाम और अन्य नट्स, अधिकांश फल और सब्जियां। नंबर 3, यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने वाली दवाइयों से बचें। कुछ दवाइयां यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती है, जैसे कि डायूरेटिक दवाइयां और लो डोज वाले एस्पिरिन। यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने वाली दवाइयां आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्रदान कर सकती है, इसलिए किसी भी दवाई का सेवन बंद करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 4, एक स्वस्थ वजन बनाए रखें। मोटापे से गाउट का खतरा बढ़ जाता है, खासकर कम उम्र के लोगों में। अधिक वजन होने से व्यक्तियों में हृदय रोग के जोखिम के अलावा हाई ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अधिक वजन के कारण रक्त में यूरिक एसिड के स्तर का अधिक जोखिम होता है, जिससे गाउट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 5, शराब और शुगर युक्त ड्रिंक से बचें। शराब और शुगरी ड्रिंक्स की भारी खपत गाउट के विकास के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती है। नंबर 6, कॉफी पिएं। कुछ शोधों के अनुसार जो लोग कॉफी पीते हैं उनमें गाउट विकसित होने की संभावना कम होती है। 2010 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के विश्लेषण में यह पाया गया कि कॉफी की खपत बढ़ाने से गाउट का खतरा कम हो गया। जिन महिलाओं ने प्रतिदिन 1 से 3 कप कॉफी का सेवन किया, उनके गाउट के जोखिम में 22% की कमी आई, जबकि उनकी तुलना उन महिलाओं से की गई जिन्होंने कॉफी का सेवन किया ही नहीं। नंबर 7, विटामिन सी का सेवन करें। आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि को शामिल करें। अनुसंधानों में ये नहीं साबित हुआ कि विटामिन सी गाउट का इलाज करता है या उसे रोकने में सक्षम हो सकता है, बल्कि ये यूरिक एसिड के स्तर को जरूर कम कर सकता है। नंबर 8, चेरीज खाएं। प्रारंभिक शोधों से ये पता चलता है कि चेरीज गाउट हमले के जोखिम को कम कर सकता है, विशेष रूप से इस बीमारी के पूर्व इतिहास वाले लोगों में। गाउट वाले 633 लोगों के एक 2012 के अध्ययन में पाया गया कि 2 दिनों के लिए चेरीज खाने से गाउट के हमले का खतरा 35% तक कम हो गया। तो गाउट के रोकथाम के लिए आप इनमें से किन किन रणनीतियों का प्रयोग करेंगे, हमें कमेंट में लिख के बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और विज्ञान से संबंधित चीजों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।